एक फिल्म है जो कि फैमिली ड्रामा है। एक छोटी फैमिली के अंदर जैसे चार परिवार के लोग हैं उनके अंदर जो नोकझोंक होती है उसका एक कॉम्बिनेशन है। और प्राइम मीन्स एज द नेम सजेस्ट, प्राइम मीन्स हाई। तो एक फैमिली के अंदर जो एक छोटे से कॉन्सेप्ट को लेकर उससे जो चीज़ें बदलती हैं और उससे क्या क्या मतलब जो एक रोलर कोस्टर क्रिएट होता है उस चीज़ की एक कहानी है जिसको हमने सिनेमा के अंदर डाल के स्टोरी को दिखाया है। प्राइम टाइम एक टीवी के ऊपर टेक है। टीवी एक फैमिली के मेंबर की तरह हो गया आजकल और जो कि सबको प्यारा है। उसके ऊपर लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, रिमोट छीना झपटी होती है। सस्ता सुंदर टिकाऊ एंटरटेनमेंट जो ऑप्शन है घर के अंदर वो आई थिंक टीवी है। तो ये ट्रिगर जो टीवी को लेके हम लोगों ने टेक किया है एज ए नॉर्मल फैमिली मेंबर जो सबको पसंद है। कंफर्टेबल लैंग्वेज है, बेसिकली इट्स देवनागरी लिपि। उसको ग्रैब करना टाइमली इट हैपेंड विद मी आल्सो। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली मैंने आई स्टार्टेड फर्स्ट प्रोग्रामिंग इन 2006। आई मेड यू नो वन ट्रैवल शो विच वॉज कॉल्ड वर्ल्ड शो केस। वो पूरा मराठी में था। लैंग्वेज वाइज मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, फिल्म मेकिंग में बिकॉज इट्स ए स्क्रिप्ट, स्क्रिप्टिंग करते वक्त हमने काफ़ी हेल्प ली। सिनेमा का अपना एक अलग लैंग्वेज होता है। स्क्रिप्ट है अगर आपने उसको ढंग से, क्योंकि आपके पास इट्स अ टीम वर्क, तो आपके अच्छे स्क्रिप्ट राइटर है। एक स्टोरी जब लिखते तो उसमें आप खो जाते हैं। तो उस स्टोरी के साथ करीब, हिंदी की स्टोरी है उसके साथ मैं करीब 1-1.5 साल से रह रहा हूँ। तो स्टोरी मुझे बाय हार्ट याद है, बट उसको एडॉप्ट किया मराठी लैंग्वेज में, तो वो सब आता गया टाइमली। इट केम, एक्टर्स का बहुत सारा सपोर्ट होता है आपको। उन लोगों का एक इनपुट होता है जो कि वर्ड बाई वर्ड, सेंटेंस बाई सेंटेंस, पंक्चुएशंस, तो उन लोगों ने काफ़ी हेल्प किया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज आई डिडंट फेस एनी प्रॉब्लम। इसके दो रीज़न है। एक तो टेक्निकली एज फार एज कोई रोमांटिक एंगल नहीं है फिल्म में। मेन जो आइडिया है इट्स अ हाउसवाइफ स्टोरी। तो उसमें हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब ए लिस्टेड कोई सो कॉल्ड हीरो या हीरोइन होना चाहिए। हम लोगों को एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस चाहिए थी जो कि सुलेखा तलवरकर ने मतलब पूरी तरह से 100% शी हैज़ गिवन टू द कैरेक्टर। टीचर जो उनके हस्बैंड है ही इज़ अ क्लास टीचर, तो हमको एक ऐसा आदमी चाहिए था। बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं रखता लाइफ में। आपकी स्टोरी से रिलेटेड जो कैरेक्टर डिज़ाइन जो हुआ था हमारा उसमें वो सब लोग फिट कर रहे थे। अगर आपकी स्टोरी है, कंटेंट है, आपके कैरेक्टर्स अच्छी तरह से डिलीवर करते हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, दैट्स इट, तो आपका काम हो जाता है। म्यूज़िक में निरंजन पेड़गांवकर करके एक मेरे को रेफरेंस मिला कि हाँ, ही इज़ वर्किंग लाइक ए प्रोग्रामर फॉर सो मैनी ईयर्स। तो म्यूज़िक ऑल टूगेदर, मतलब हमारी फिल्म में जो भी गाने हैं, दो रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, एक सैड सॉन्ग है, प्लस एक गाना है विच इज़ अ यू नो इट यू कैन कॉल इट अ मतलब थोड़ा रेज क्रिएट कर सकता है, आली लहर कहला कहर। मेरे लिए म्यूज़िक वो म्यूज़िक अच्छा होता है अगर आपने एक बार सुना, दो बार सुना, और तीसरी बार अगर आप उसकी एक लाइन भी गुनगुना रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अ गुड म्यूज़िक, दैट्स इट। ये जो भी लॉ पास हुआ है उसके अंदर हमको सबसे बड़ा फायदा ये होगा और दूसरे जो मराठी प्रोड्यूसर्स हैं, मेन टाइम में उनको एक अपनी फिल्म शोकेस करने का मौका मिलेगा, विच इज़ अ गुड साइन। अगर आप देखें तो आप कभी कभी वर्ल्ड मूवीज भी देखते हैं आप, तो सिनेमा की अपनी एक टूर होता है जब आप 2-3 घंटे आप बैठ के सिनेमा हॉल के अंदर कॉन्सेंट्रेट करते हैं मूवी के ऊपर, तो आप एक डिफरेंट टूर में होते हैं। उसमें आपको फिर एक लैंग्वेज बैरियर नहीं होता बिकॉज इट हैज़ हिज इट्स ओन स्टोरी। तो प्राइम टाइम जो अब जो लॉ पास हुआ है उसके अंदर हमको एज प्राइम टाइम, बिकॉज वी आर हैविंग दिस टाइटल ऑल्सो, तो वी आई थिंक वी हैव 200% चांसेस मोर लाइक कि इन टर्म्स ऑफ पब्लिसिटी ऑल्सो टू रीच टू पीपल। सो दिस इज लाइक वी हैव बेनिफिटेड विद दिस होल गेम। अच्छा, प्राइम टाइम की USP है उसके गाने और उसका डायरेक्ट कनेक्ट फैमिली। जो भी फिल्म देखने जाएगा उस हर एक फैमिली मेंबर कहीं ना कहीं इस फिल्म के किसी ना किसी सीक्वेंस से ज़रूर कनेक्ट करेगा। हर एक कैरेक्टर का आपको ऐसा लगेगा कि अपने घर की एक बात चल रही है, अपने फैमिली मेंबर की किसी की एक बात चल रही है। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा USP होगा इस फिल्म के लिए।